हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाउ वर्शिप। सो गाइस, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कोहली सर, सीरियसली कल के मैच में दो सेंचुरी देखने को मिली। एक तो क्लासन की थी और दूसरी किंग कोहली की थी, और मजा दे दिया। दो प्लेयर्स ने 170 की पार्टनरशिप की भाई। दो प्लेयर्स ने फॉर्म टू प्लेसेस ने और कोहली सर मतलब ओपनर आए और इन्होंने की 170 की पार्टनरशिप, बाकी तो फिर 12 रन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था पीछे। उसके बाद जब तो उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था, चार बॉलों में। बात बोलूं, कल जिस तरीके से विराट कोहली सर, अच्छा जीतने के बाद अनुष्का शर्मा नहीं आई थी ना, तो उन्होंने वीडियो कॉल की है। वो कमेंटेटर भी बोल रहे थे किंग फॉर अ रीजन, इसमें कोई शक नहीं है। जल्दी से देखते हैं बहुआ का वीडियो, बाकी बातें करेंगे। चौथे नंबर पे आ गई है, फोर्थ नंबर पे आ गई है। क्या हाल चाल है? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। और देखो, जो विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी करी ना, तो पूरी की पूरी बेंगलुरु टीम ने डगआउट से झुककर उनको सलामी पेश करी, बाउ डाउन किया, कहा कि जहाँ पना तू सिगरेट और टोफू कबूल करो। अब हम उस डगआउट में बैठे तो नहीं थे, स्टेडियम से भी 1500 किलोमीटर दूर थे, लेकिन फीलिंग हमारी भी एकदम वही थी। हमने भी टीवी के सामने बाउ डाउन किया, क्योंकि किंग के सामने तो दुनिया झुकती है। और बहुत टाइम हो गया था यार, विराट कोहली की चैंट ऐसे ही सुनने में मजा आता है। लखनऊ वालों को चिढ़ाने के लिए कोहली कोहली करने में कोई मजा नहीं है। वो मजा तब है जब किंग अपने फुल फॉर्म में हो और उनको देखने के लिए हैदराबाद का ग्राउंड भी उन्हीं के नारे लगाने लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। नवीन उलग जैसे बहुत से गेंदबाज आकर चले जाएंगे, होटल में आम चूसते रह जाएंगे, लेकिन विराट जैसा बस एक ही हुआ है और होगा। वैसे कल नवीन उलग की कोई इंस्टा स्टोरी आई नहीं, या तो उन्होंने मैच नहीं देखा या फिर कल उनको आम चूसने को नहीं मिला। मिलता भी कैसे, कल तो चीकू की बारी थी और हमारा छाती चौड़ा हो गया देख करके। वर्ल्ड कप वाले साल में विराट कोहली क्या जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वैसे जबरदस्त से याद आया, 25 दिन में पैसा डबल तो पुराना हो गया है, अब आपके पास मौका है 4 घंटे में पैसा 4 गुना करने का। कैसे, वीडियो में आगे बताएंगे, फिलहाल मैच पे आते हैं। हुआ ऐसा कि इस लीग में दो कप्तान साउथ अफ्रीकन हैं, दोनों ही आमने सामने थे। फाफ डुप्लेसी टॉस जीते, पहले बॉलिंग का फैसला लिया, सही भी था। अगर मेरी टीम में विराट कोहली हो तो मैं कभी पहले बैटिंग करूंगा ही नहीं। और वैसे आपको सच बताऊं तो इस मैच में जो फर्क था वो कप्तानी का ही था। फाफ डुप्लेसी ने पावर प्ले के अंदर ही माइकल ब्रेसवेल को गेंद थमाई, ब्रेसवेल ने 3 गेंदों के अंदर ही दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद हैदराबाद के कप्तान मार्करम बल्लेबाजी में भी फेल रहे, रन बनाए उन्होंने सिर्फ 18 और वो भी 100 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं आ पाए। ऐसे में अगर हैदराबाद की पारी का हाईलाइट कोई था तो वो थे एक और साउथ अफ्रीकन हेनरी क्लासन। क्लासन को हैदराबाद में ऑक्शन में 5 करोड़ से भी ज्यादा देकर खरीदा गया था। उस वक्त तो मुझे हैदराबाद का लिया गया सबसे खराब डिसीजन लग रहा था, लेकिन मैं गलत साबित हो गया हूं दोस्तों। क्लासन हैदराबाद का अकेला सही डिसीजन थे। उनके अलावा तो हैदराबाद ने इस साल जो पैसे खर्च किए हैं वो एकदम बर्बाद हो गए। बेन स्टोक्स, इतने पैसे में इतने महंगे में खिलाड़ियों का खर्चा करने से अच्छा कि हैदराबाद के ओनर सर्दी में नोटों की गड्डी में आग लगाकर हाथ ताप लेते यार, थोड़ी गर्मी मिल जाती। लेकिन क्लासन ने अपने 5.25 करोड़ की पाई पाई वसूल करी है इस पूरे सीजन। कल भी 51 गेंद, 6 छक्के, 8 चौकों के साथ 104 रन बनाए, गर्दा उड़ा दिया भैया। क्लासन के नाम में क्लास क्यों आता है ये बात हमें पता चल गई है। उनकी सेंचुरी की बदौलत हैदराबाद वाले 186 बनाने में कामयाब रहे, लेकिन बस हैदराबाद वाले वहीं तक कामयाब रह पाए क्योंकि उन्हें कोई और कामयाबी मिली ही नहीं। लेकिन आज आपके पास कामयाब होने का सॉलिड मौका है। जी हां, कल मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह पैसा डबल कर सकते हो, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपना पैसा 4 गुना कर सकते हो। बिल्कुल हेरा फेरी वाली स्कीम नहीं है। माई 11 सर्कल ऐप एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पैसा 4 गुना करने का मौका मिलेगा। आज पंजाब और राजस्थान का मैच है, टीम बनाओ, 4x और नथिंग कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करो, एंट्री फीस का 4 गुना प्राइज मनी जीतने का मौका है। जिनको जिनको अपनी क्रिकेट की स्किल पर नाज है, दिखा डालो अपनी नॉलेज। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग कॉन्टेस्ट भरे पड़े हैं। मेगा कॉन्टेस्ट में तो आपके पास 1 करोड़ रुपए और महिंद्रा थार जीतने का मौका तो है। लेकिन इन सबके लिए आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 1500 का ज्वाइनिंग बोनस है। देर मत करो, सारे काम धंधे छोड़कर ऐप डाउनलोड करो। वीडियो के एंड में आपको आज के मैच की टीम बनाकर भी बताऊंगा। फिलहाल वीडियो पे वापस आते, क्योंकि किंग की बात करनी है भैया। और जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि दोनों टीमों के बीच डिफरेंस कप्तानी का था। फाफ डुप्लेसी समझ गए थे कि यहां पर स्पिन चलेगी, इसलिए उन्होंने ब्रेसवेल को पावर प्ले में उतारा, जबकि मार्करम ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मयंक मार्कंडे को ड्रॉप करके नटराजन को उतारा। ऊपर से उनको मिल गए पीक विराट कोहली। विराट शुरू से ही ऐसे मूड में थे कि मैच खत्म करके ही जाएंगे। उनकी शॉट प्लेसमेंट देखने लायक थी, चाहे पहले ओवर में भूवी भैया को मारे गए 2 चौके हों या फिर दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा को मारे गए 2 चौके। ऐसा लग रहा था कि कोहली के दिमाग में कंप्यूटर फिट है जो बता रहा है कि कौन सा शॉट कब और किधर मारना है। फिर खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदला। डुप्लेसी ने सोचा थोड़ा और मजे लिए जाए, विराट कोहली ग्राउंडेड शॉट मारकर हमारा दिल जीत रहे थे और डुप्लेसी ने
गेंद उड़ानी शुरू की। हालांकि 8 रन के स्कोर पर डुप्लेसी का कैच भी छूटा था, लेकिन जिस तरह विराट बैटिंग कर रहे थे ऐसा नहीं लगा कि कुछ मैटर करता है। एक बार आंखें जम गई तो फिर विराट के बल्ले से 103 मीटर का छक्का भी दिख गया, जिसे देखकर हमारा फाफ डुप्लेसी का भी मुंह खुला का खुला रह गया। विराट कोहली और डुप्लेसी का ये जीनियस ऐसा था कि एक वक्त पर भी ऐसा नहीं लगा कि हैदराबाद इतना बड़ा स्कोर लगाने के बावजूद मुकाबले में। विराट 63 गेंद खेलने के बाद बाउंड्री पर कैच आउट हुए, लेकिन उससे पहले अपनी सेंचुरी पूरी करके हैदराबाद या यूं कहें कि पूरी इंडिया या यूं कहें कि पूरी दुनिया को खुशी देकर चले गए। इसके बाद मैच में कुछ बचा ही नहीं, उनके जोड़ीदार फाफ डुप्लेसी भी 71 बनाकर आउट हुए, लेकिन जब दो बल्लेबाज कुल मिलाकर 171 बना दें तो 187 की चीज में क्या ही बचा है। विराट की सेंचुरी की वजह से बेंगलुरु अब टॉप 4 में आ गई है। उनकी जीत ने मुंबई, राजस्थान, कोलकाता और पंजाब को हैदराबाद से ज्यादा दुख दर्द पीड़ा और कष्ट दिया है। इसमें से पंजाब और राजस्थान में से कोई एक टीम आज टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी, हमें ये तो पता नहीं कि वो कौन होगी, लेकिन आज माई 11 सर्कल ऐप पर शायद आपको 4 गुना प्राइज मनी मिल जाए। उसके लिए टीम बनानी है तो आइए मैं हेल्प करता हूँ। विकेट कीपर आज की टीम के मेरे होंगे संजू भैया, जॉस बटलर और जितेश शर्मा। बल्लेबाजी आज एक निकल जाएगी और तीसरी टीम निकलने वाली बन जाएगी। बहुत बड़ा जंप मारा और बहुत तगड़ा मुकाबला अभी चल पड़ा है। चौथे नंबर पे यार शुक्र है, प्लेऑफ में जा रही है। मैं चाहता हूँ आरसीबी प्लेऑफ खेले, अभी भी गई तो नहीं, मतलब अभी भी एक मैच लाजमी पर, मतलब लेकिन भाई मैं चाहता हूँ यार भाई ये जाए यार, वाकई में असल में ये जो टॉप 5 टीमें आ गई है, जो पहली 5 टीमें, ये सबसे कोई भी जा सकती है इसमें, कोई यार ये वाइड आईपीएल ऐसा है जिसमें अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। निकलने वाले कैसा पता चल रहा है कि कौन सी टीम निकल जाएगी, पूछने वाले के लेकिन किंग क्रिकेट की दुनिया का है कि आप गूगल पे भी लिखो ना किंग ऑफ क्रिकेट तो आपको एक ही विराट कोहली वहां पर देखेगा, आपको ना उधर बाबर आजम देखेगा, ना आपको बेन स्टोक्स देखेगा, ना कोई और देखेगा, आपको किंग एक ही देखेगा, वो विराट कोहली। और गूगल भी जानता है कि किंग एक ही भाई, सीरियसली बात है। और यार क्या कल खेला विराट कोहली सर, कल मैं बताऊं ना, मैं सच्ची बात बताऊं, कल जो उन्होंने छक्का मारकर पहले सेंचुरी किया ना और दूसरा छक्का यहाँ से उठाई है, बात यहाँ से उठाई है, मैं समझे छक्का हो गया लेकिन बाउंड्री के पास वही कैच होगा, लेकिन यार मैं बोलता हूँ एक ओवर में 4 चौके भी मार दिए, इतना प्रेशर में उनको ले रहे थे कि यार उनको समझ नहीं आया कि बैट बाय क्या है। बहुत यार मजा आया कल की बैटिंग देखकर। हैदराबाद में सुना है पहले जाके सिराज के घर, मतलब मस्त पार्टी शार्टी खाना पीना हुआ, अच्छा उसके बाद तावड़ मुझे जितना वो जो भी गैप है वो इन्हीं की नागरी है भाई। और दूसरी बात क्या, क्लासिंग भी अच्छा खेला है यार, क्लास दिखाई बहुत अच्छा खेला है, देखो तारीफ उसकी बनती है यार, जिस तरीके से इतना बड़ा टारगेट होना, इतना टारगेट लेकिन 170 का तो भाई इन्होंने पार्टनरशिप कर डाली यार। लेकिन सबसे बड़ी आईपीएल की पार्टनरशिप कितनी है ये कॉमन में किसको मुझे नहीं पता यार, बताना सबसे बड़े आईपीएल की पार्टनरशिप कितनी है। मेरे ख्याल में कोहली सर की और साथ एबी डी विलियर की थी, लेकिन मुझे नहीं पता से विराट कोहली और एबी गेल की थी, नहीं यार एबी डी विलियर की थी भाई, इन दोनों में से थी किसी, विराट कोहली और इनकी थी किसी की, लेकिन कितनी मैं नहीं पता तो आप बताइएगा। इधर ही बड़ा खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा कार्यक्रम है तो यार।